गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 11th क्लास में बेसिक फंडामेंटल्स की हमने बात करी थी। कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करी थी। फिर हमने बात करी थी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ कुछ मैंने उस पर लिखी थी, लेकिन क्लास ओवर हो जाने के कारण ये आज मैं वापस शुरू करने जा रहा हूँ। टुडे माई टॉपिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, बीजगणितीय सर्वसमिकाएं। तो सबसे पहली बात, बीजगणितीय सर्वसमिका में फर्स्ट सर्वसमिका जो आती है वो आती है a प्लस बी की पावर जीरो, और a प्लस बी की पावर जीरो का मान हमेशा कितना होता है, एक होता है। कितना होता है बेटा, एक। सेकेंड, a प्लस बी की पावर वन, दैट इज a प्लस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी। थर्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो आती है वो आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आप लोग सब जानते हैं, मोस्ट कॉमन है इसके अंदर, लेकिन ये भी कई बार अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक करने जा रहे थे, बेसिक में हर छोटी से छोटी चीज़ को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर फोर आती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आती है फिफ्थ नंबर आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें से थ्री ए बी अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर पीछे कितना रह जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट सेवन नंबर आइडेंटिटी इज x प्लस ए एंड x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी मल्टीप्लाई में x प्लस ए बी। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी एट नंबर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। नाइन्थ नंबर आइडेंटिटी हमारे पास में आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ठीक है, नेक्स्ट आती है टेंथ नंबर आइडेंटिटीज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ये होती है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इलेवंथ नंबर आइडेंटिटी आती है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इसकी जो वैल्यू होती है वो वन बाई टू ब्रैकेट में यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी आइडेंटिटी जो होती है वो होती है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी इज 13 a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होती है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 14 नंबर आइडेंटिटी जो है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मेनली हम यूज़ करते हैं डेरिवेशन में जब भी करते हैं, तो ये इसका आइडिया आपको होना चाहिए ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, इसके बाद में हम